नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल जीके प्लस दिए पर। आज हम लोग करंट अफेयर के लेटेस्ट टॉपिक अटल सुरंग, जो हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का किताब अपने नाम कर चुकी है, तो इससे इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अटल सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, अटल सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ? तो अटल सुरंग का उद्घाटन दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से 3 अक्टूबर 2020 में हुआ। दोस्तों ये तारीख याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के नज़रिए से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, अटल सुरंग से पहले भारत के सबसे लंबे सुरंग का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है जवाहर सुरंग है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब पूछ दिया जाए, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दर्रा से आप क्या समझ रहे हैं? दर्रा पहाड़ी रास्तों में जो नेचुरल रास्ते होते हैं उसे ही दर्रा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको पासिस भी कहते हैं। याद रखें दोस्तों, इंग्लिश में इसको पासिस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? अटल सुरंग का पुराना नाम दोस्तों रोहतांग सुरंग था, रोहतांग दर्रे में स्थित होने के कारण इसका नाम रोहतांग सुरंग पड़ा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? अटल सुरंग दोस्तों रोहतांग दर्रा में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अटल सुरंग की आधारशिला किसने रखी थी? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेन है, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? दुनिया की दोस्तों तो वो अटल सुरंग अपने नाम कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई पूछ दिया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अटल सुरंग की लंबाई पूछ देगा तो आपको ये आंसर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बना है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3000 मीटर, जिसकी फुट में अगर पूछा जाए तो 1000 फुट के करीब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किसे जोड़ेगा? तो दोस्तों ये मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने इसका उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण किसने किया है या किसने बनाया है, ये पूछ दिया जाए। तो दोस्तों BRO ने इसको बनाया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब पूछ दिया जाए, BRO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी BRO की? तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। BRO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। BRO ने ही अटल सुरंग का निर्माण किया है, इसीलिए BRO के बारे में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो BRO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों हरपाल सिंह है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग का निर्माण किस पर्वत श्रेणी में हुआ है? तो पीर पंजाल श्रेणी में हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो जाएगी? तो दोस्तों 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, टाइम की भी बचत होगी। अटल सुरंग से मनाली से लेह जाने में कितना समय कम लगेगा? तकरीबन 4 से 5 घंटा कम लगेगा समय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अटल सुरंग को बनाने में कितना खर्च आया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें किसने इसका उद्घाटन किया है, किसने बनाया है और इसका खर्चा कुल लागत कितना है इसका, तो 3300 करोड़ इसकी कुल लागत है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अटल सुरंग जो कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बन चुकी है, इसका आकार पूछ दिया जाए, इसका आकार कैसा है? इसका आकार दोस्तों घोड़े की नाल जैसा है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूँकि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? इसकी कैपिटल दोस्तों ग्रीष्मकालीन में शिमला होती है और शीतकालीन में धर्मशाला होती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनके सीएम दोस्तों सी जयराम ठाकुर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब गवर्नर का नाम पूछ दिया जाए, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? तो इनके राज्यपाल जी का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि चीफ जस्टिस? तो चीफ जस्टिस है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जस्टिस लिगम्पा नारायण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? मैंने पहले ही बता दिया दर्रा का अर्थ होता है पासेस, तो इसके प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों सिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा छल्ला दर्रा, यानी कि ये सभी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो राजकीय पशु दोस्तों हिम तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? तो इसका राजकीय वृक्ष का नाम है दोस्तों देवदार, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमने अटल सुरंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाए और ऐसे वीडियोज़ के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK+ CA, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।